हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। स्पेशली कुछ कंटेंट्स हैं हाइड्रोबोरेशंस के कि इसमें किस तरह से हाइड्रोबोरेशंस होता है, उसका क्या मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट्स होता है, या फिर सिंथेटिक एप्लीकेशंस क्या होता है हाइड्रोबोरेशन का, या फिर एल्कीन के साथ हाइड्रोबोरेशन किस तरह होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन कैसे होता है। तो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। सो देर आर मेन कंटेंट्स रिलेटेड विद द हाइड्रोबोरेशन, इन विच वन इज़ द लर्निंग आउटकम्स, इंट्रोडक्शन, मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेन, कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोबोरेशन, सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन टू अल्कोहल, प्रोटोनोलाइसिस, कन्वर्जन टू हाइड्रोकार्बन, कन्वर्जन टू एमीन, कार्बोनिलेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन एसेट्रा एसेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम टू द पॉइंट लर्निंग आउटकम्स। हाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द हाइड्रोबोरेशन। इनिशियली हाइड्रोबोरेशन इज ए सच टाइप ऑफ रिएक्शन विच आई कैन से दैट दिस इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, एक तरह से कहा जा सकता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इसमें होता है। डाइबोरेन जो है एड्स टू एल्कीन एज ए मोनोमर के फॉर्म में, और ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल वी शैल बी एबल टू हाउ टू हैव टू लर्न दिस इज द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन एंड सो ऑन। व्हाट हैपेंस इन दिस केस, हाइड्रोबोरेशन रिफर्स टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन आर एल्काइन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू द सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट। एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट वेरी सिंपली, एंड दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द एडिशन रिएक्शन ऑफ मार्कोनिकोफ रूल। हियर इट्स रिएक्शन आर शोन इन विच यू सी दैट वन इज द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दैट इज ट्रीटेड विद द बोरेन, there is hydroboration takes place and this borane is in the monomer form totally added to the asymmetric alkene. Simply we can say that actually this reaction is based on the law of Markovnikov rule or law of Markovnikov system. तो डाइबोरेन के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दें कि डाइबोरेन एक टॉक्सिक गैस होती है, एंड ये जो है प्रिपेयर होती है एक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड ऑन बोरान ट्राईफ्लोराइड से, इसका जो है प्रिपरेशन कराया जाता है। तो इस तरह से डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है। सिंपली एडिशन ऑफ बोरेन टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। What happen in Markovnikov system? You already know that about the Markovnikov rule. This explain that when any unsymmetrical alkene is treated with the unsymmetrical halide, or we can say that this is the hydrogen halide, the addition takes place in such a way that the negative part of the reagent attached with that carbon of the reactant which shows least number of hydrogen atom, या हम ये कह सकते हैं which carry the least number of hydrogen atom, यानी किसी unsymmetrical alkene से hydrogen halide जैसे HBr का addition इस तरह से होता है कि जो negative part यानी Br minus है वो carbon के उस कार्बन से जाके जुड़ता है, जैसे हमारा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, तो जहाँ सी एच है डबल बॉन्ड सी एच टू, जैसे इसे हम इस तरह दिखा सकते हैं,
जैसे दिस इज अनसिमेट्रिकल इनकिन आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और ये हमारा एच बी आर, ये है निगेटिव ये है पॉजिटिव। सिंपली हमें इसे देखना है कि ये कहाँ इस अनसिमेट्रिकल एल्किन से कहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक सेंटर यहाँ पे है, एक सेंटर आप यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव आयन बना सकता है, ये भी, यहाँ भी एडिशन हो सकता है, यहाँ भी एडिशन हो सकता है, दोनों जगह एडिशन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल, रूल ये कहता है कि निगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होता है। सेम ही मैनर जो है इन केस ऑफ बोरेशन में होता है, हाइड्रोबोरेशन स्पेशली। सो बट एक्चुअल व्हाट हैपेंड इन दिस हाइड्रोबोरेशन, द बोरेन इज अटैच्ड विथ फर्स्ट कार्बन एटम। दिस इज एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अनुसार, इसमें एडिशन होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो हाइड्रोबोरेशन इज द जस्ट उल्टा होता है मार्कोनिक ऑफ के, और सॉरी हमने इसको जो है मार्कोनिक ऑफ बोल दिया था। सो दिस इज नॉट मार्कोनिक ऑफ रूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। तो अगर ये सी एच टू से जुड़ता है तो इसका मतलब ये एंटी होगा। तो इस केस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन से बोरेन का एडिशन जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाइड्रोबोरेशन बी एस थ्री इस एल्कीन से जुड़ा, बी एच टू में कन्वर्ट हुआ। सेकेंड हाइड्रोबोरेशन में फिर एक एल्कीन मालिक्यूल जुड़ता है, डाई बना लेता है। फिर थर्ड में जो है आप देख सकते हैं ट्राई बना लेता है, और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है ट्राई एल्काइल बोरेन का। दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। इसका सिंपल वे में यहाँ पर दिखाया गया है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, सिंपल रिएक्शन, बी एस थ्री से एडिशन हो रहा है, यहाँ बन गया आपका सी एस थ्री सी एच टू बी एच टू, और इसका जो ब्लू कलर से हाइड्रोजन है वो सी एच टू से जुड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ ही जुड़ गया और ये बना लिया इथाइल बोरेन। फिर आप देख सकते हैं दूसरा इस इथाइल बोरेन से रिएक्शन कर रहा है, फिर डाई फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, डाई इथाइल बोरेन बन रहा है, और फिर यहाँ सी एच टू थर्ड मालिक्यूल, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ट्राई इथाइल बोरेन का। हाउ एवर ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन यूजली एल्ड डाई एल्काइल बोरेन एंड टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन फॉर्म ओनली द मोनो एल्काइल बोरेन। द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोबोरेशन में ऑल्सो भी कंट्रोल्ड बाई द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन एंड बोरेन। द रिएक्शन इज ऑफन कंबाइंड विथ सब्सिक्वेंट ऑक्सीडेशन। सो द रिएक्शन टू प्रोड्यूस एन एल्कोहल एंड कॉमनली नोन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंस द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस हाइड्रोबोरेशन इज द एल्कोहल, सो वी हैव साइमल्टेनियसली कॉल्ड दिस रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओवरऑल दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल और दिखाया गया है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में एक्चुअली हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ होता है, और ये रिएक्शंस जो है हमारा सम व्हाट एक तरह से कहा जाए तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ का। लेकिन इस केस में हमारा जो रिएक्शन है वो आयनिक रिएक्शन है, बट दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन एंटी मार्कोनिक ऑफ। यहाँ पर डबल बॉन्ड सी से जनरल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, बोरेन का एडिशन है एल्कीन से, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बोरेन का एडिशन है एल्कीन से, और यहाँ एच टू ओ टू के प्रेजेंस में और एन ए ओ एच के साथ यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है एल्कोहल का। तो सिंपली इस तरह से अगर देखा जाए तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइबोरेन प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म बाई द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स सच एज डिस एमाइल बोरेन, थेक्सील बोरेन एंड 9-BBN एंड सो ऑन कैटचॉल बोरेन। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विच कैन बी ऑल्सो फॉर्म बाई द एडिशन ऑफ बोरेन।
So borane is a very reactive electrophile since it has only sextet of electrons. You already know BH3 is electron deficient, so it is called electrophile. Exists primarily as a colorless gas called diborane. This ये हमेशा diborane डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जैसे BH3 प्लस BH3 टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरेन आर कंबाइंड विथ ईच अदर, इट फॉर्म डाइबोरेन विच इज एक्चुअली इट्स डाइमरिक फॉर्म. दिस इज बिकॉज बोरान इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट एलिमेंट एंड दस टू बोरान एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स इन द टू BH बॉन्ड्स इन एन अनयूजुअल मैनर. सो डाइबोरेन गैस में बी जनरेटेड इन सीटू बाई द रिएक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ बोरान ट्राईफ्लोराइड इन लेबोरेटरी, बट द डाइबोरेन गैस इज समवाट वी कैन से दैट हाईली टॉक्सिक फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव गैस एंड मोर कन्वीनियंटली हैंडल्ड बाई मेकिंग इट इज एडक्ट विथ एन इलेक्ट्रॉन डोनर सच एज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन. तो जिस तरह से प्रिपरेशन होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का समवाट, उसी तरह से इसमें भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है डाइबोरेन के प्रिपरेशन में, क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होता है और टॉक्सिक के साथ साथ हाईली फ्लेमेबल होता है और एक्सप्लोसिव भी होता है. सो बहुत केयरफुली जो है बोरेन को प्रिपेयर कराया जाता है इन सीटू में. बोरेन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इज आल्सो यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ होस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर फंक्शनल ग्रुप सच एज इपॉक्साइड, लैक्टोन्स एंड नाइट्राइल्स. ट्रीटमेंट विद बोरेन ऑफ एल्कीन सबस्टेट विच कंटेन दीज फंक्शनलिटीज मे आल्सो काज दी रिडक्शन इन एडिशन विद द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन दिस इजली रिडक्टेबल. सो नाउ कम द कंसर्टेड मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन. सिंपली व्हाट हैपन इन दियर मैकेनिज्म इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन. The boron atom in borane BH3 has only 6 electrons in its valence shell and thus has a strong tendency to accept a pair of electrons to complete its octet. As a result, BH3 behaves as an electrophile, and so when hydroboration, like other addition reaction of alkene, is an electrophilic addition reaction. यह एक electrophilic addition reaction है जिसमें BH3 ये जब टूटता है तो BH2 माइनस और H प्लस में ये कन्वर्ट होता है. हाउएवर अनलाइक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन इट डज नॉट इन्वॉल्व कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट एंड अकर्स इन वन स्टेप थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट है. सिंपली वी हैव सी दैट इन केस ऑफ बोरेन दिस गिव द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. व्हाट हैपेंड हियर BH3 व्हेन इज कन्वर्टेड इनटू आफ्टर एडिशन इट कन्वर्टेड इनटू BH2 माइनस प्लस एच प्लस जस्ट लाइक दिस हियर. सो दिस गिव द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट द डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन अटैच्ड विद दिस हाइड्रोजन प्लस. तो इस तरह से देखा जाए तो बोरेन जो है कंसर्टेड मैकेनिज्म देता है. कंसर्टेड का मतलब होता है कि फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है. और ऐसा क्यों होता है कि इसका रीज़न है यहाँ पर कि सिंस देर आर टू मेन एस्पेक्ट्स फॉर द गिविंग द मैकेनिज्म. वन इज़ द पॉजिटिव चार्ज डेवलप. जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कार्बोकेटायन एज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन इज डिस्पर्स्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप. वो जो है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है, देयर बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट, जिसके लिए वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबलाइजेशन होता है. सो हियर वी सी दैट बोरान जो है साइक्लोएल्कीन से रिएक्शन कर रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केस में, यहाँ पर देखिए बोरान ये एल्कीन अटैक कर रहा है बोरान पर, यह हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ रहा है. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंसर्टेड सीन एडिशन का एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया है. तो दिस इज़ द कंसर्टेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट.
और फाइनली दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट जनरली इज़ द सिन प्रोडक्ट। सिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मींस जो एडिशन होता है बोरेन का वो सिन होता है। आप देख सकते हैं बोथ CH2 एंड H ग्रुप्स विच आर एडेड विद द डबल बॉन्ड आर आइदर एबव द प्लेन आर बिलो द प्लेन, एक ही साइड में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अगर इसके रिएक्शन को कुछ, ये इस तरह का रिएक्शन फेवर्ड नहीं होता लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू यहाँ इसलिए नहीं होता कि इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे ये बॉन्ड फर्दर जाता है आगे की तरफ, न कि यहाँ से ये बॉन्ड इधर आएगा एल्काइल ग्रुप की तरफ, क्योंकि इनके बीच में एक स्टीरिक हेंड्रेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई पाई इलेक्ट्रॉन एंड एल्काइल इलेक्ट्रॉन के बीच में स्टीरिक हेंड्रेंस होगा, और जिसके कारण इस तरह का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज़ द फेवर्ड मैकेनिज्म अबाउट द हाइड्रोबोरेशन। सो एंड दिस मैकेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ एंटी मार्कोनिकोव रूल। व्हाट इज द एंटी मार्कोनिकोव रूल? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, व्हेन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टेक्स प्लेस विथ अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन सच अ वे दैट द निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच्ड विथ दैट कार्बन ऑफ रिएक्टेंट विच कैरी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे इसको इस तरह से अगर समझा जाए, जैसे यहाँ ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होना है, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये है नेगेटिव। तो इसके पहले आपने देखा था मार्कोनिकोव में क्या हुआ था कि ये नेगेटिव यहाँ जुड़ा था जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन था, लेकिन एंटी में क्या होता है ये नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा जिसके पास सबसे अधिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो जो भी यहाँ हमारा एल्कीन लिया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ जो एल्कीन लिया गया है, यानी ये आर है आपका, हम सिर्फ डबल बॉन्ड को देखें सी डबल बॉन्ड CH2, यही एल्कीन है जो यहाँ लिया गया है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस जहाँ ये हाइड्रोजन दिख रहा है इसके पास है, इसलिए बोरान देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जुड़ रहा है। इस केस में ये ऐसा नहीं होता। तो दिस रिएक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंड द रिएक्शन रिजल्ट इन एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, दी हाइड्रोजन एड्स टू द मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। दिस रिजियोकेमिस्ट्री इज रिवर्स ऑफ टिपिकल हाइलोजन हैलाइड एडिशन टू एल्कीन, दिस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन हैलाइड, एंड ओवरऑल एडिशन इज द सीन एडिशन, ओवरऑल एडिशन हैज बीन टेकन, दिस इज द सीन एडिशन। सो फ्रॉम द एपम मैकेनिज्म इट इज क्लियर दैट इन प्रिंसिपल हाइड्रोबोरेशन आल्सो फॉलोज सम वॉट मार्कोनिकोव रूल एंड एंटी मार्कोनिकोव रूल, बट जनरली दिस इज द एंटी मार्कोनिकोव। द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट हाउ एवर इज डिफरेंट बिकॉज इन कन्वेंशनल एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन एड्स टू ए प्रोटोन एंड इन हाइड्रोबोरेशन इट एड्स एज ए हाइड्राइड आयन, ओ राइट, दिस इज द रीजन। इस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन के फॉर्म में एड होता है। एल्कीन और मार्कोनिकोव में आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव आयन के फॉर्म में ऐड होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है नेगेटिव आयन के फॉर्म में ऐड होता है। तो यही रीजन है कि ये जो है इसको एंटी बना देता है मार्कोनिकोव से। सो और इस पूरे मैकेनिज्म से में सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, क्योंकि जो रिएक्शन इनिशिएट कराया जाता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के बीच में जो परऑक्साइड बॉन्ड है यहाँ होमोलाइसिस होता है,
और हाइड्रोपराक्साइड आयन का, सॉरी, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हाइड्रोजन लेता है, हाइड्रोपराक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, और यही हाइड्रोपराक्साइड आयन जो है अटैक करता है फाइनली बोरान के ऊपर, और फिर वन बाय वन जो है ऑक्सीडाइज्ड कर देता है एंड फाइनली गिव द अल्कोहल प्रोडक्ट। सो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए समवाट, तो हाइड्रोबोरेशन इज ए सिन एडिशन प्रोसेस, हाइड्रोजन एंड BH2 आर एडेड टू द सेम फेस ऑफ द मॉलिक्यूल, हियर सम रिएक्शंस आर आल्सो शोन, हियर यू सी दैट वन इज द एल्कीन मॉलिक्यूल and BH3 is added. Due to the syn addition of the boron and hydrogen atom, the reaction can also be stereoselective. Here you see that there is for only one product is formed. This is the syn addition. यहाँ पे syn addition हो रहा है, आप देख सकते हैं कि Br2 और H ये दोनों जो है डबल बॉन्ड के सेम साइड में जुड़ रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ इनके सेम साइड में जुड़ रहा है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री गवर्न करता है। सो नाउ वी कम द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरिक इफेक्ट आल्सो एक्सप्लेन बाय द रिजियो केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोबोरेशन, व्हाट हैपन इन दिस केस, अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटी मार्कोनिक ऑफ रिजियो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोबोरेशन इज स्टेरिक इफेक्ट ऑफ बोरॉन कंटेनिंग ग्रुप विच इज मच बल्कर दैन हाइड्रोजन एटम एंड हेंस बोरॉन gets attached to the less hindered end of the double bond, less hindered end of the double bond, यानी हमेशा कहाँ से जुड़ेगा बोरॉन, जहाँ पर less hindered यानी जो बल्कि ग्रुप होगा उसके अपोजिट साइड से ये जा करके जुड़ जाता है। द सिलेक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ बोरेन इज रिलेटिवली लो, बट द स्टेरिक इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द सेकेंड और थर्ड सक्सेसिव हाइड्रोबोरेशन एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ सिलेक्टिविटी में प्रीडोमिनेट एट द एंड विथ मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इन द रिएक्शन स्टॉप एट सेकेंड हाइड्रोबोरेशन एज थर्ड हाइड्रोबोरेशन बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट ड्यू टू द इंक्रीज स्टेरिक स्ट्रेंथ। सो कम टू दिस पॉइंट, हियर यू सी दैट द एडिशन ऑफ बोरेन इन दिस एल्कीन, द बोरेन अटैक द लेस हिंडर्ड साइड, व्हाट इज द लेस हिंडर्ड साइड, here you see that here is only one alkyl group, here is only one alkyl group and this side is two alkyl group. When this borane does not add at this side, this is added this side. So here you see that less hindered. Once again the next addition takes place, here you see that this borane attached less hindered site and there is formation of diform. After that this is attached with this less hindered side and there is formation of triform. इस तरह से ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। However, it must be noted that borane itself may not give good regio selectivity as it is highly reactive and does not have enough hysteric bulk. Hysteric effect is more pronounced in strictly congested alkyl borane reagents like 9BBN, just like here you see that such type of molecule steric strain is somewhat increases in the presence of 9BBN. So now come the hydroboration in alkene molecule, that is the bicyclic. Here you see that this is the bicycloalkene and hydroboration oxidation takes place. The hydroboration takes place at this site, here you see that at this site and also this site like this. This means there is formation of two products, indo and exo. But what happened in the case of this is the narbornyl molecule, exo ke case mein kya hota hai, indo ke case mein kya hota hai ki ye near about 13% formation hota hai, addition hota hai, jabki इंडो में आप देख सकते हैं कि जो है 87% होता है। सो इस तरह से देखा जाए तो जो स्ट्रिक्टली कंजेस्टेड एल्काइल बोरेन है, सो एक्सट्रीमली बाईसाइक्लिक सिस्टम वेयर द अटैक ऑफ 9BBN अकर्स फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द नारबोनिल सिस्टम एज शोन बिलो।
इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन BS3 का भी हो रहा है, 9 BBN का भी हो रहा है। तो स्पेशली होता क्या है इसमें, इसमें जो दो साइड्स है इसका, एक एक जो एक इस तरह का और एक इस तरह का, ये एक्सियल पोजीशन है और ये जो है इक्वेटोरियल पोजीशन है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। होता क्या है कि जो इस तरह का एडिशन होता है एबव द प्लेन, दिस इज समवट एक्सोफॉर्म, ये थोड़ा सा डोमिनेंट होता है रेदर देन द इंडोफॉर इन दिस वे, क्योंकि यहाँ पर इनके और इनके बीच में थोड़ा सा ये देखा जाता है कि स्टीरिक स्टैंड की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण ये समवट अनस्टेबल हो जाता है। यही रीज़न होता है कि अगर ये फार अवे जुड़ जुड़ जाए इस पोजीशन पे नारबोर्निल पे, तो यहाँ स्टीरिक स्टैंड थोड़ा सा कम हो जाता है, और यही रीज़न है कि ये स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। नाउ हाइड्रोबोरेंस लाइक BH2Cl, BH2Br, BSCl2 एंड BSBr2 आर आल्सो यूजफुल हाइड्रोबोरेटिंग रिएजेंट। इनका भी जो है सेम उसी तरह से हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है। नाउ कम्स ऑन द अदर टॉपिक, दिस इज इन्फ्लुएंसिंग मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन बाई ऑर्बिटल मॉडल। हियर यू सी दैट ऑर्बिटल मॉडल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि जैसे यहाँ CH2 एल्कीन है हमारा और यहाँ Cl है, सपोज दैट। होता क्या है कि इनके बीच में देखिए रेड रेड जोन ऊपर दिखाए गए हैं, इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये है हमारा हमारा एलाइल कार्बोकेटायन, और एलाइल कार्बोकेटायन से जब एल्काइल हेलोजन यहाँ ऐड होता है, क्लोरीन देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज़ द और यहाँ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में आप जानते होंगे कि होता क्या है कि कार्बन, जैसे ये कार्बन प्लस है हमारा, कार्बन पॉजिटिव जो कार्बोकेटायन है, जैसे ये यहाँ ये हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बोकेटायन ये स्टेबलाइज होता है किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। और हमारा सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कैसे होता है, तो इस कार्बन का ये जो बैक एंड पी ऑर्बिटल है यहाँ पर, और इनके बीच में यहाँ पर इनके बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला आता है, और इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, जिसे कुछ और एग्जांपल्स दिखाए गए हैं, जैसे देयर आर सम सिमिलर इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोबोरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन दिस मॉलिक्यूल। हियर यू सी दैट बोरेन इज अटैच्ड विथ, व्हाट हैपेंड हियर, बोरेन इज अटैच्ड विथ आइदर दिस ऑक्सीजन एटम और दिस डबल बॉन्ड। सिंस दिस इज ऑक्सीजन कंटेनिंग सब्सटेंस सच एज ईथर, एल्कोहल, एस्टर, इसेट्रा, एंड ऑक्सीजन डायरेक्टेड हाइड्रोबोरेशन हैज़ बीन यूज इन दिस केस, सो दिस कैन बी थियोरेटिकली एट्रीब्यूटेड टू ए लेविस एसिड बेस अट्रैक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन बोरेन कॉम्प्लेक्स। ये इसमें होता क्या है कि एक तरह से यहाँ पर लेविस एसिड एसिड और बेस का इफेक्ट देखा जाता है, और ऐसे केसेस में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है बोरेन को, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स इस एल्कीन पर भी बन सकता है, लेकिन जनरली ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट फर्स्ट ऑफ ऑल डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द बोरेन मॉलिक्यूल, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोबोरेशन, सो ऑक्सीजन बोरेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। और आफ्टर दैट, इसके बाद उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद, देन दिस कॉम्प्लेक्स इज देन कन्वर्टेड इनटू, तब ये जो है इस BS3 को प्रोवाइड कर देता है इस डबली बॉन्डेड एल्कीन को। आफ्टर दैट दिस BS3 इज अटैच्ड विद द
दिस एल्कीन मॉलिक्यूल, बट लेस हिंडर साइड, दिस इज द लेस हिंडर साइड बिकॉज दिस इज अल्काइल ग्रुप हियर, सो दिस BH2 इज अटैच विद दिस एल्कीन एट दिस लेस हिंडर साइट, दिस इज द एंटी मार्कोनिक ऑफ रेडिशन. सो ओबल और दिस इज द बेस्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोबोरेशन विथ एल्कीन इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ साइकिल एंड ऑल्सो इन द बाई साइकिल एंड सो ऑन. द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन. सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोबोरेशन इज द ऑक्सीडेशन टू अल्कोहल. इसका पहला सिंथेटिक एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन टू अल्कोहल, यानी जब ट्राई अल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन करा दिया जाता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है सिंपली. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन कराया गया, फास्ट हाइड्रोबोरेशन. हियर इज अल्काइल बोरेन इज फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप. हियर हाइड्रोबोरेशन अल्काइल बोरेन फॉर्मेशन, स्लो हाइड्रोबोरेशन डाई अल्काइल फॉर्मेशन, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोबोरेशन स्लो ट्राई अल्काइल बोरेन, एंड देन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस टू फॉर्म द अल्कोहल. द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज द अल्कोहल. दिस अल्कोहल फॉर्मेशन इज मेनली कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड गिव्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन. जैसे आप देखे होंगे वाटर का एल्कीन से एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो सेम उसी तरह से इसमें भी एंटी मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग ही होता है. आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हाइड्रोबोरेशन में. द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोपरऑक्साइड आयन विथ R3b. एंड अल्काइल ट्राई अल्काइल बोरेन जो लिविस एसिड की तरह बिहेव करता है, फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट 1-2 अल्काइल शिफ्ट डिस्प्लेसिंग हाइड्रोक्साइड आयन. और 1-2 अल्काइल शिफ्ट होता है और इसके बाद अल्काऑक्साइड आयन वहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है. दीज टू स्टेप्स आर रिपीटेड 2 more times टू जनरेट फाइनली ट्राई अल्काइल बोरेट RO3b एंड द न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्साइड एन आयन then attacks the boron atom and an alkoxide ion is eliminated. Protonation of the alkoxide ion forms the alcohol. These 3 steps are repeated 2 more times to yield finally 3 molecules of alcohol from the tri-substituted borane. The oxidation reaction proceeds with retention of configuration. इसका जो configuration है और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. तो सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं. सबसे पहले होता है कि हाइड्रोपरऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है. यहाँ रेड फॉर्म में आप देख सकते हैं OOH, ये है हमारा हाइड्रोपरऑक्साइड आयन. तो इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, इसका फॉर्मेशन होता है कि जब हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड और इसका रिएक्शन कराया जाता है किससे, OH- से. ऐसे तो यह OH- यहाँ प्रोटॉन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड कहाँ चलाता है, ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ बन जाता है HOO-. अब यही HOO- ये है हमारा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड आयन. ये है हमारा हाइड्रोपरऑक्साइड आयन. तो पहले स्टेप में आप देख सकते हैं कि यही हाइड्रोपरऑक्साइड आयन जो है ट्राई अल्काइल बोरेन पे अटैक करता है. आप यहाँ देख सकते हैं रेड फॉर्म में हाइड्रोपरऑक्साइड आयन है और ब्लू फॉर्म में ट्राई अल्काइल बोरेन है और यहाँ अटैक हो रहा है. तो और यहाँ सिंपली चूँकि बोरेन आप जानते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये सीधे यहाँ बाइंड अप हो जाता है इस तरह से. अब हो क्या रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि जब ये हाइड्रोपरऑक्साइड आयन बोरान से अटैच्ड हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है, तो इनके बीच में 1-2 shifting होती है. यहाँ होता है 1-2 shift. तो 1-2 shift क्या है, अल्काइल ग्रुप जो है R, आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ से हट जाता है.
और इस तरह से क्या निकल जाता है, OH माइनस, OH माइनस यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो इस रिएक्शन में 1-2 शिफ्टिंग होती है और फिर फर्दर जो है ये रिएक्शन प्रोसीड्स होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, एक जो है ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस्ड हो गया बोरान और एल्काइल ग्रुप के बीच में। आप इस रिएक्शन में यहाँ देख सकते हैं, हियर यू कैन सी दैट जो हाइड्रोपरऑक्साइड आयन है एक ऑक्सीजन अपना इंट्रोड्यूस कर देता है बिटवीन बोरान एंड एल्काइल ग्रुप। इसी तरह से ये स्टेप्स जो है ट्विस्ट रिपीट किया जाता है या थ्रिस रिपीट किया जाता है, क्योंकि यहाँ दो एल्काइल ग्रुप बचा हुआ है। तो 1 by 1 यहाँ पर फिर आपका हुआ जाएगा OOH माइनस, ये फिर अटैक करेगा बोरान पर, फिर एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा ट्राई एल्काइल जो है, जिसको हम कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन या ट्राई एन एल्कोक्सिल बोरेन कहना ज़्यादा बेटर होगा, एल्कोक्सी बोरेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एल्काइल नहीं, एल्काइल के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये एल्कोक्सिल बोरेन हो जाता है। दिस इज द ट्राई एल्काइल एल्कोक्सी बोरेन। एंड फाइनली क्या होता है, आप देख सकते हैं कि OH जो है जुड़ जाता है बोरेन इस ट्राई एल्काइल से, जब हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करता है तो फाइनली ये जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद जैसे ही ये जुड़ता है, यहाँ से देखिए एक OR एलिमिनेट हो जाता है, एक R यहाँ एलिमिनेट हो गया और OH यहाँ जुड़ गया। फाइनली एल्काक्साइड आयन ये इस प्रोटॉन पर अटैक करता है और यहाँ से फिर यहाँ फॉर्मेशन कर देता है निगेटिव आयन का। और इस तरह से ये स्लो स्टेप के थ्रू, रिपीटेड स्टेप के थ्रू ऑल दी RO इज़ कन्वर्टेड इनटू, जितने भी एल्कोक्सिल ग्रुप हैं सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बोरेट, फाइनली बोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हमारा, अगला इसका जो बेस्ट एप्लीकेशन है, कन्वर्जन टू हाइड्रोकार्बन। अगला इसका रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटोनोलाइसिस होती है एल्कीन पर, और कन्वर्जन टू अल्काइल बोरेन आर स्टेबल टू मिनरल एसिड, ये H2SO4 HCl इनके प्रति जो है स्टेबल होता है, बट आर रेडिली अटैच टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग ऑन अल्काइल बोरेन विथ लिक्विड एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज प्रोटोनोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। द कन्वर्जन टू हाइड्रोकार्बन इज गुड एंड इफ द एल्काइल ग्रुप हैज ए काइरल सेंटर देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, द मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल ऑफ फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइलोजन सल्फर एक्सेट्रा, दिस प्रोटोनोलाइसिस इज केमिकल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ डबल एंड इज गुड अल्टरनेटिव टू कैटलिसिस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हियर यू सी दैट 9 BBN यूज किया गया यहाँ पर एल्कीन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बोरेन हमारा, ये हमारा एल्काइल ग्रुप, यहाँ एल्काइल ग्रुप है, तो जो बोरेन है हमारा 9 BBN यह हमेशा हिंडर्ड साइड से यहाँ अटैक करता है, हिंडर्ड साइड से अटैक करता है और यहाँ पे फॉर्मेशन करता है सब प्रोडक्ट का। और ये सब प्रोडक्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्यूटीरियम कंटेनिंग HD ग्रुप, और ये जो है ड्यूटीरियम इस बोरेन को रिप्लेस्ड कर देता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्यूटीरियम जो है इससे जुड़ जाता है और रिएक्शंस जो है ये सिंपली एक तरह से देखा जाए तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इस केस में। तो ओवरऑल रिएक्शन इज द प्रोटोलाइसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन।
और यू कैन से दैट दिस इज द प्रोटोनोलाइसिस या कन्वर्जन टू हाइड्रोकार्बन। तो ये सबसे बेटर एप्लीकेशन जो है बोरेन का हाइड्रोबोरेशन में ये भी है। सो ऑल दीज रिएक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रिलेटेड विद द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।